नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक उपाध्याय, सहायक आचार्य। आज हम लोग डीएलएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत चतुर्भुज एवं चतुर्भुज के प्रकार प्रकरण को जानने का प्रयास करेंगे। चतुर्भुज क्या होता है और उसके विभिन्न प्रकार क्या हैं और उनकी क्या विशेषताएँ होती हैं, उसे हम समझेंगे। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। बिंदु विमा विहीन ज्यामितीय आकृति होती है। दो बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड बनता है। रेखाखंड के द्वारा हम कोण बना सकते हैं। दो ऐसे रेखाखंड जिनका शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो, उनसे कोण का निर्माण होता है। और तीन सरल रेखाओं को मिला करके अगर हम कोई बंद ज्यामिति आकृति बनाते हैं तो उसे हम त्रिभुज कहते हैं, जिसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आज हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चित्र में आप देख रहे हैं, चतुर्भुज एक बंद वक्र बहुभुज होता है। बंद वक्र बहुभुज क्या होते हैं आप चित्र में देख सकते हैं, जिसकी कई भुजाएँ हों लेकिन सभी भुजाएँ मिल करके एक बंद बहुभुज बनाएँ। दूसरे चित्र में ऐसे वक्र दिखाए गए हैं जो बहुभुज नहीं हैं। चार बहुभुजाओं वाला बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज में चार भुजाएं एवं चार कोण होते हैं। चित्र में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। इसमें इसकी चार भुजाएं हैं, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा डी ए। आप देख सकते हैं इसके चार कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। चित्र में चतुर्भुज की चार भुजाएं हैं, भुजा ए बी और भुजा बी सी आसन्न भुजाएं हैं। इसी प्रकार भुजा बी सी और भुजा सी डी भी आसन्न भुजाएं कही जाएंगी। और भी जो भुजाएं हैं, जैसे कि भुजा डी ए और भुजा ए बी भी एक दूसरे की आसन्न भुजाएं हैं। चतुर्भुज के चार कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। कोण ए तथा कोण बी एक दूसरे के आसन्न कोण हैं। उसी तरह कोण बी और कोण सी भी एक दूसरे के आसन्न कोण हैं। कोण सी और कोण डी भी एक दूसरे के आसन्न कोण हैं। कोण डी तथा कोण ए भी आसन्न कोण कहे जाएंगे। चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए एवं कोण सी आप देख सकते हैं एक दूसरे के सम्मुख कोण कहे जाएंगे। और उसी तरह कोण डी और कोण बी भी एक दूसरे के सम्मुख कोण कहलाएंगे। चतुर्भुज का नामकरण, अब हम जानेंगे कि चतुर्भुज का नामकरण कैसे करना चाहिए। चित्र एक में चतुर्भुज पी क्यू आर एस दिखाया गया है, इसे हम चतुर्भुज पी क्यू आर एस कहेंगे। वहीं चित्र दो में आप देख सकते हैं एक दूसरा चतुर्भुज है, इसे हम पी क्यू आर एस चतुर्भुज नहीं कहेंगे, क्योंकि इस चतुर्भुज का नाम पी एस क्यू आर है। कहने का आशय यह है कि चतुर्भुज का नामकरण उसके शीर्षों को क्रम से नाम दे करके किया जाता है। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के कई प्रकार हो सकते हैं, हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। चतुर्भुज का पहला प्रकार है समलंब, दूसरा प्रकार हो सकता है समांतर चतुर्भुज, तीसरा समचतुर्भुज, चौथा आयत और पांचवा वर्ग। समलंब चित्र में आप देख सकते हैं ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें भुजा ए बी समानांतर है भुजा डी सी के। दूसरे चित्र में चतुर्भुज ई एफ जी एच दिखाया गया है, जो कि एक समांतर चतुर्भुज है। उसी तरह से ए बी सी डी एक आयत है। नीचे की तरफ समचतुर्भुज दिखाया गया है, उसका नामकरण ए बी सी डी किया गया है। और एक वर्ग देख सकते हैं आप, जिसका नाम पी क्यू आर एस है। समलंब ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आप देख सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा ए बी भुजा डी सी के समांतर है। इसी तरह से एक नीचे भी समलंब बना हुआ है,
ए बी सी डी, इसमें भी भुजा ए बी भुजा डी सी के समांतर है। भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है कि भुजाओं के जो दोनों युग्म हैं वो समांतर हैं। कम से कम एक युग्म समांतर होने पे चतुर्भुज समलंब कहलाता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस समलंब की जो बाकी की असमांतर भुजाएं हैं वो भी बराबर हों। इस प्रकार की अवस्था में उसे समद्विबाहु समलंब कहते हैं। आप चित्र में दूसरी तरफ देख सकते हैं, ऐसे चतुर्भुज दिखाए गए हैं जो समलंब नहीं हैं, क्योंकि इनके अंदर भुजाओं का एक युग्म समांतर नहीं है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों उन्हें हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चित्र में दो प्रकार के चतुर्भुज दिखाए गए हैं, एक जो समांतर चतुर्भुज हैं और दूसरे जो समांतर चतुर्भुज नहीं हैं। आप देख सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इस चतुर्भुज की भुजा ए बी भुजा डी सी के समांतर है और भुजा ए डी भुजा बी सी के समांतर है। इसी प्रकार चतुर्भुज पी क्यू आर एस भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी भुजा क्यू पी भुजा एस आर के समांतर है और उसी प्रकार भुजा क्यू एस भुजा पी आर के समांतर है। तीसरे उदाहरण में एक चतुर्भुज देख सकते हैं आप, एल एम एन ओ, यह भी एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसकी भुजा एल एम ओ एन के समांतर है तथा दूसरी भुजा एल ओ भुजा एम एन के समांतर है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं, यह समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता होती है। अगर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो भुजा ए बी भुजा सी डी के समांतर होगी, भुजा ए डी भुजा बी सी के समांतर होगी, साथ ही साथ भुजा ए बी भुजा सी डी के बराबर होगी और भुजा ए डी भुजा बी सी के बराबर होगी। आप चित्र में दूसरे भी समांतर चतुर्भुज देख सकते हैं जिसे ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस चतुर्भुज में भी चूँकि यह समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएँ समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। चूँकि सम्मुख भुजाएँ समांतर हो जाएंगी तो वो भुजाएँ स्वतः ही एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। समांतर चतुर्भुज की एक और विशेषता होती है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के चार कोण हैं, कोण ए कोण बी कोण सी और कोण डी, जिसमें कोण ए और कोण सी एक दूसरे के सम्मुख कोण हैं तथा कोण डी और कोण बी एक दूसरे के सम्मुख कोण हैं। और अगर हम उनको रोटेट करें तो हम दूसरा चित्र प्राप्त करेंगे जो ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश के रूप में समांतर चतुर्भुज दिखाया गया है। और इस विशेषता के आधार पर हम देख सकते हैं कि कोण ए कोण सी के बराबर है और कोण बी कोण डी के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज की एक अन्य विशेषता होती है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक होने का अर्थ है कि दो कोणों का योग जब 180 अंश होता है तो उन्हें हम एक दूसरे के संपूरक कोण कहते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के चार कोण, कोण ए कोण बी कोण सी और कोण डी हैं। अगर हम आसन्न कोणों की बात करें तो कोण ए का आसन्न कोण बी है, बी का आसन्न कोण सी है, सी का आसन्न कोण डी है और डी का आसन्न कोण ए है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, अर्थात कोण ए और कोण बी का योग 180 अंश होगा, उसी तरह कोण बी और कोण सी का योग 180 अंश होगा, कोण सी और कोण डी का योग 180 अंश होगा और कोण डी और कोण ए का योग 180 अंश होगा। नीचे के चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण एक और कोण चार से मिलकर बना है, कोण सी कोण दो और कोण तीन से मिलकर बना है। हम इसमें तिर्यक छेदी रेखा के गुण का प्रयोग करके इसको सिद्ध कर सकते हैं कि कोण ए और कोण बी 180 अंश होंगे और कोण बी कोण सी 180 अंश होंगे, कोण ए और कोण डी मिलकर के 180 अंश होंगे और कोण डी और कोण सी मिलकर के 180 अंश होंगे।
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर माप के नहीं होते हैं, लेकिन उनमें विशेषता होती है कि वे प्रतिच्छेदी बिंदु पर एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं। कहने का आशय यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD बराबर हों, लेकिन AO और OC की माप बराबर होगी। उसी तरह से DO और OB एक दूसरे के बराबर होंगे। इसे हम सर्वांगसम की विशेषता के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। सम चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम सम चतुर्भुज कहते हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, इसलिए सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाएंगे। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी समांतर चतुर्भुज भी सम चतुर्भुज हों। सम चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर सम द्विभाजित करते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा डी ए आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। इस चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं, विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी, जो कि बिंदु ओ पे एक दूसरे को काट रहे हैं। सम द्विभाजित करने का आशय है कि बी ओ और ओ डी की माप बराबर होगी और उसी तरह से ए ओ और ओ सी की माप बराबर होगी। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समान माप के होते हैं। चित्र में ए बी सी डी एक आयत है। चूंकि सभी कोण बराबर माप के होते हैं, चूंकि चतुर्भुज एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसके चारों अंतःकोणों का योग चार समकोण के बराबर होता है। अगर आयत के सभी कोण समान माप के हैं तो उन सभी कोणों का योग 360 अंश के बराबर होगा और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो हम कह सकते हैं कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण असमान हो सकते हैं, लेकिन आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। पहले हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण असमान हो सकते हैं। आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। चित्र में ए बी सी डी एक आयत है। इस आयत के दो विकर्ण हैं, एक विकर्ण ए सी है और दूसरा विकर्ण डी बी है। विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी बराबर होंगे। इसे हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं। चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और ऐसी स्थिति में हम बता सकते हैं कि दोनों विकर्ण बराबर होंगे। आयत के विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित भी करते हैं, अर्थात आयत ए बी सी डी में विकर्ण ए सी के दो भाग हैं, ए ओ और ओ सी। ए ओ बराबर ओ सी होगा और डी ओ बराबर ओ बी होगा, अर्थात आयत के विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। आयत के बाद हम लोग एक दूसरे चतुर्भुज के बारे में जानेंगे जिसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, अर्थात आयत होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं और सभी वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। चित्र में आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस एक वर्ग है और बी ई एल टी भी एक दूसरा वर्ग है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं कहने का आशय यह है कि बी ई ई एल एल टी और टी बी आपस में बराबर होंगी। वर्ग के विकर्ण समकोण पर सम द्विभाजित करते हैं। चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है जहां ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। इसके अलावा कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा कोण डी आपस में बराबर हैं और ये सभी कोण 90 अंश के हैं। वर्ग के दो विकर्ण ए सी और बी डी भी आपस में बराबर हैं। इसके साथ ही साथ वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ए ओ
बराबर OC और DO बराबर OB। इन विशेषताओं के अलावा वर्ग की एक और भी विशेषता होती है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करने के साथ साथ एक दूसरे पे लंब भी होते हैं, अर्थात AO परपेंडिकुलर टू BD और DO परपेंडिकुलर टू AC, उसी तरह से OB परपेंडिकुलर टू AC और AO परपेंडिकुलर टू DB। अभी तक जितने तरह के चतुर्भुज के बारे में हम लोगों ने जाना, उन चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको एक बार हम एक साथ देखेंगे। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। इसके कई गुण हो सकते हैं। सबसे पहला गुण है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना समचतुर्भुज। समचतुर्भुज चित्र में देख सकते हैं आप, PQRS एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। अगर इसके गुणों के बारे में जानना चाहेंगे हम, तो कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण समचतुर्भुज में पाए जाते हैं। कहने का आशय यह है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। साथ ही साथ समचतुर्भुज की एक अन्य विशेषता भी होती है, इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। कहने का आशय यह है कि PQ और RS एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तीसरे प्रकार का चतुर्भुज एक आयत है। चित्र में आप देख सकते हैं KLMN एक आयत है। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें एक कोण समकोण होता है। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण आयत में पाए जाते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है और आयत के विकर्ण बराबर माप के होते हैं। कहने का आशय यह है कि समांतर चतुर्भुज के अतिरिक्त आयत में दो विशेषताएं और होती हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है और विकर्ण बराबर माप के होते हैं। चौथा चतुर्भुज वर्ग हो सकता है। चित्र में PQRS एक वर्ग है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत के सभी गुण विद्यमान होते हैं। इन चार के अतिरिक्त एक पांचवें तरह का भी चतुर्भुज होता है जिसे हम पतंग कह सकते हैं। चित्र में ABCD पतंग के आकृति का एक चतुर्भुज है। पतंग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें दो असमान भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। पतंग के अगर गुणों के बारे में देखें तो पतंग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, अर्थात एंगल B और एंगल D बराबर होते हैं लेकिन एंगल A और एंगल C बराबर नहीं हैं। इस तरह से हम सभी प्रकार के चतुर्भुज को तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं। अब हम चतुर्भुज के परिमाप तथा उसके क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। चतुर्भुज का परिमाप चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग कहलाता है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्ण खींचने के पश्चात बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। अब हम लोग सभी प्रकार के चतुर्भुजों के परिमाप और उनके क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे एक एक करके। पहला समलंब। समलंब का परिमाप समलंब की चारों भुजाओं को जोड़ने से प्राप्त होता है और समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग, अर्थात समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी समांतर भुजाओं का योग करने के बाद उसमें उसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 से भाग दे करके हम उसके क्षेत्रफल को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का परिमाप उसकी चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात समांतर चतुर्भुज का आधार को उसकी ऊंचाई से गुणा करने पे हम उसके क्षेत्रफल को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है आयत। आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं की लंबाइयों के योग के बराबर होता है और आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। चौथा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का परिमाप उसकी चारों भुजाओं का योग होता है और उसका क्षेत्रफल हम समचतुर्भुज के विकर्णों को आपस में गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं।
चौथा और अंतिम चतुर्भुज है वर्ग। वर्ग के परिमाप को हम वर्ग की चारों भुजाओं को जोड़ के प्राप्त कर सकते हैं, जबकि वर्ग के क्षेत्रफल को उसकी एक भुजा की लंबाई को वर्ग करके प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जाना। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज का नामकरण हम कैसे करते हैं, चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार जैसे कि समांतर चतुर्भुज, समलंब, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग के बारे में जाना। इन सभी प्रकार के चतुर्भुज के विकर्ण और उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने समझा, और सभी प्रकार के चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने के तरीकों के बारे में समझा। धन्यवाद।